अस्सलामुअलैकुम, सीना सुपर न्यूज़ के साथ मैं हूँ आयशा अफरीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के हवाले से। इजलास में हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर आवाम को एतमाद में लेने से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर किया गया, जबकि हुकूमत 3 साल कारकर्दगी रिपोर्ट भी जारी करने पर मुशावरत की गई। दूसरी जानब कौमी निसाब में तालीम पर अमल दरामद के हवाले से भी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद, मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल, पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहतरमा वजीहा अकरम और वफाकी वजारत तालीम के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने इजलास को निसाब तालीम में शामिल सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस ज़मन में तमाम मकातिब फ़िक्र खुसूसन उलमाए कराम से तफसीली मुशावरत की गई है। असातिज़ा की ट्रेनिंग और इम्तहानात के मियार पर भी तवज्जो दी गई है। और अब बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, जिनका कहना है कि अफगानिस्तान में अमन मुखालिफ क़ुव्वतें स्पायलर्स आज भी मुतहर्रिक हैं। हिंदुस्तान को अपनी महदूद सोच को तर्क करना होगा। वो अगर पाकिस्तान को नीचा दिखाने की सोच पर कारबंद रहा तो वो खित्ते की कोई खिदमत नहीं करेगा। भारत अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात का दावेदार रहा है। भारत के अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात पर एतराज़ नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा कि हमारा फोकस किसी एक ग्रुप पर नहीं, पाकिस्तान की सोच अफगानिस्तान की बेहतरी है। आलमी बरदरी को अफगानिस्तान से ताल्लुकात बहाल रखने चाहिए। अफगान अवाम को ये तासुर देना चाहिए कि हम उन्हें भूले नहीं, हम बाहर जाने वालों की मदद करेंगे, लेकिन अफरा तफरी ना फैलाई जाए, क्योंकि अफगानिस्तान की तरक्की के लिए पढ़े लिखे लोग दरकार हैं। सब बाहर चले गए तो अफगानिस्तान से मोहब्बत करने वालों का मुल्क मुतासर होगा। और अब खबर शामिल करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, जो दुबई से कराची पहुंच चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी 5 रोज से निजी दौरे पर दुबई में थे। इससे कबल कहा जा रहा था कि बिलावल भुट्टो दुबई में मुख्तसर क़याम के बाद अमरीका चले जाएंगे, जहां अमरीकी हुकाम से अफगानिस्तान में क़याम अमन, सिफारती इंसानी हकूक और बैन अवी ताल्लुकात, पाकिस्तान के मुस्तबिल के ताल्लुकात और मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बातचीत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अफगान तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि अफगान महाजरीन के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। लोगों को काबुल एयरपोर्ट तक लाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की नहीं है। अब तक हमने अफगानिस्तान से आने वाले 1,277 गैर मुल्कियों को इमिग्रेशन सहूलत दी और 4,000 लोगों को वीज़े भी जारी किए हैं। पाकिस्तान आने वालों में अमरीकी भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद ने मजीद कहा कि सी पैक के खिलाफ आलमी साजिशें हो रही हैं। भारत सी पैक में कामयाबी नहीं चाहता। सी पैक कंपनियों को पाक फ़ौज सिक्योरिटी फराहम कर रही है। कराची में 15 साल बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा मंसूबा शुरू करने में पेशरफ्त हो चुकी है। कराची में रेड लाइन बस मंसूबे की तामीर का ऐलान कर दिया गया है। 8 साल से ज़ेर इल्तवा रेड लाइन बस मंसूबे की तामीर का आगाज़ 90 रोज में शुरू किया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध वैस शाह का कहना है कि 78 अरब रुपये की लागत के रेड लाइन बस मंसूबा शुरू किया जा रहा है। हमारी कोशिशों से एशियाई तरक्याती बैंक ने कर्ज की फराहमी का मुआहदा किया है। और अब आपको बताएं कि अमरीकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वाले अस्करियत पसंदों को तशद्दुद से रोकने के लिए आला इख्तियाराती कमीशन बना दिया। ज़राए के मुताबिक तालिबान के रहनुमा हैबतुल्ला खुनजादा के 1-3 रुकनी कमीशन बना दिया है, जो TTP पर दबाव डाल रहा है कि वो पाकिस्तान से मुमकिन मुआफ़ी के बदले अपने मामला हल करे और अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएँ। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हुकाम ने इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया है। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले को मुअत्तल किए बगैर उस पर अमल दरामद रोक दिया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जुम्मे को सहाफ़ियों पर मुबैना हमलों और मुकदमात के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर अज खुद नोटिस लिया था और केस को इसी बेंच के सामने 26 अगस्त को फिक्स करने का हुक्म दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस अज खुद नोटिस का जायज़ा लेते हुए अहम सवाल उठा दिया कि अज खुद नोटिस का इख्तियार किस अंदाज में इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार और मुआवनत के लिए सदर सुप्रीम कोर्ट बार को भी नोटिस जारी कर दिया।
और अब हाई कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का मामला वफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म दे दिया। अदालती आलिया ने पीटीए के वकील से इस्तफसार किया कि क्या टिकटॉक इस वक्त मुल्क भर में खुला है या बंद है, जिस पर पीटीए के वकील ने कहा कि मुल्क में प्रॉक्सी के जरिए तकरीबन 99% टिकटॉक खुला हुआ है। अदालत ने पीटीए के वकील से इस्तफसार किया कि आप टेक्नोलॉजी को शिकस्त नहीं दे सकते तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी बाहर की दुनिया में क्यों नहीं हो रही? वहाँ तो कानून भी सख्त है, पीटीए क्यों इस मुल्क को दुनिया से काटना चाहता है? अदालत ने इस्तफसार किया कि पीटीए को हुकूमत से पॉलिसी लेने का कहा था, क्या हुकूमत ने कोई पॉलिसी दी? उन्होंने कहा था कि पीटीए वफाकी काबीना से हिदायत ले, उसका क्या बना? और अब अफगानिस्तान से आपको खबर दें। अफगानिस्तान अथॉरिटीज़ की जानिब से मुकामी लोगों का इनखला रोकने के लिए नए अहकामात सामने आने पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने आज का काबुल फ्लाइट ऑपरेशन मनसूख कर दिया है। पीआईए की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ किए गए ऐलान के मुताबिक आज पीआईए फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए आज 3 परवाज़ें काबुल जाना थी। इस ऑपरेशन के लिए 2 बोइंग तैयारे और 1 एयरबस तैयार की गई थी। तर्जुमान के मुताबिक पीआईए ने आज 1 दिन के लिए काबुल की तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी। कल की परवाज़ों के हवाले से ऐलान बाद में किया जाएगा। और अब खेलों की दुनिया से आपको खबर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रमीज़ राजा को नया चेयरमैन पीसीबी बनाने का इंदिया दे दिया गया है। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी और रमीज़ राजा की मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी को अगले 3 साल के लिए तौसी ना देने से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म ने रमीज़ राजा को नया चेयरमैन पीसीबी बनाने का इंदिया दे दिया है, जबकि ज़ाबते के मुताबिक पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नया चेयरमैन पीसीबी मुंतखब करेगा। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म रमीज़ राजा का नाम बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर को भिजवाएंगे। और अब शोबिज़ से आपको खबर दें। सोशल मीडिया पर अदाकारा मीरा की एक टिकटॉक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो लड़कों को मशवरा देती हुई नज़र आ रही हैं कि लड़कियों को इतनी इज्जत दें कि एक दिन वो खुद ही आपको छेड़ने पर मजबूर हो जाएं। अदाकारा मीरा अपने बयानात की वजह से अक्सर सुर्खियों की जीनत बन जाती हैं, या यूँ कहें कि मीरा जी को ख़बरों में रहने का हुनर आता है। मुल्क में मीनार पाकिस्तान वाक़े पर जहां फनकारों के मजम्मती पैगामात सामने आ रहे हैं, वहीं मीरा जी ने इस मामले पर ऐसा बयान दिया कि सोशल मीडिया सार्फीन भी हैरान परेशान रह गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए सीना सिपर न्यूज़।